नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की जोरदार मौजूदगी का संदेश देते हुए अपनी ताकत भी दिखाई। ओवैसी ने कहा कि भारत की राजनीति बदल रही है, हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हिस्से की ही लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी को हराना या जिताना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हों। गुलामी की जहनियत है कि आप इलेक्शन मत लड़िए या सिर्फ ताली बजाइए, जिसको हमारे मोर्चे में आना है उसका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर हमारे मोर्चे के कन्वीनर हैं। ओवैसी ने बाहरी होने व 4 दिन के बाहर के सवाल पर कहा, यह तो हमारे ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं, आगे मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या है। पहली बार आजमगढ़ पहुंचे ओवैसी को देखने सुनने को भारी भीड़ उमड़ी और हालत यह हुई कि उनको तय कार्यक्रमों को भी छोटा करके रद्द करना पड़ा और आधे रास्ते वाराणसी लौट गए, जहां देर शाम उनको वापस जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके चलते लोगों को मायूसी भी झेलनी पड़ी। खास बात यह है कि ओवैसी को सरायमेट क्षेत्र के मशहूर मदरसा बैतुल उलूम जाना था, लेकिन अचानक से कार्यक्रम रद्द हो गया, जिससे मौजूद वहां भारी संख्या में लोगों को निराश लौटना पड़ा। इससे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार ने 12 बार ऐसा हुआ कि उनको आजमगढ़ आने की अनुमति नहीं दी। जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा MIM पार्टी है और मैं जनता का जौनपुर की आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी क्यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से जो पूर्वांचल का दौरा है उसको लेके आप क्या और किस तरीके से आप अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ, पूरे यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हमको उम्मीद है कि जब वैक्सीन दी जा रही है तो उसके 1-2 महीने के बाद जब जनसभाएं करने का मौका मिला वो भी करेंगे। जिस तरह से जनता ने आपको हाथों हाथ लिया ये तो ठीक है, लेकिन वो ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पैसा नहीं लगा सकते। तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमारी और हम वोट देते रहिए, अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो मोर्चा बनाया आपको भाई, जिसको जरूरत है आ जाए, हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे इस संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात, आपके मोर्चे पे सत्ता दल का कहना है कि बाहरी लोग हैं और यहाँ कुछ खास कर नहीं पाएंगे, 4 दिन की हवा है, उसके बाद चुनाव में जनता बता देती है। ठीक है, 4 दिन की अगर बाहर है तो मालूम हो जाएगा कितनी बाहर किसकी कितनी है। तो ये तो सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल के आने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर है। आप आजमगढ़ जा रहे हैं, जौनपुर जाएंगे, बनारस की जनता से कब मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। ओवैसी के पूर्वांचल दौरे के दौरान उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इन्हीं पार्टियों का मजबूत आधार है, जिसमें ओवैसी निश्चित रूप से सेंधमारी करेंगे। ओवैसी के साथ सुहेलदेव और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन का पंचायत और विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी के दौरे की चर्चा हर किसी के जबान पर है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया है कि जिन गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो जिलाधिकारी ऐसे मामलों की शीघ्र जाँच संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से करा लें।
यदि वास्तव में जमीन उपलब्ध होना संभव नहीं है तो वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मंडली समीक्षा बैठक करके यह निर्देश दे रहे थे। यदि पंचायत भवनों के निर्माण में भी भूमि उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो इस स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि टेलीमेडिसिन बहुत ही लाभदायक एवं सरल चिकित्सा पद्धति है, परंतु अपेक्षित प्रचार प्रसार की कमी के कारण आम जन तक इसकी समुचित जानकारी नहीं पहुँच सकी है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया कि टेलीमेडिसिन का व्यापक स्तर पर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके अलावा टेलीमेडिसिन से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके लोगों से भी फीडबैक लेकर आम जन को इसके प्रति जागरूक किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जनपद आजमगढ़ में इस योजना के 7,07,745, मऊ में 6,16,410 एवं बलिया में 11,09,815 लाभार्थी हैं, जिनमें से आजमगढ़ में 18.54%, मऊ में 16.14% एवं बलिया में 14.79% लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। मलोक ने कहा कि मंडल के जनपदों में गोल्डन कार्ड बनाए जाने की प्रगति धीमी है, इसमें और तेजी लाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गोल्डन कार्ड से इलाज कराने वालों की संख्या भी बहुत कम है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं तथा सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी परफॉर्मेंस भी उसी के अनुसार हो। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु जनपद आजमगढ़ का लक्ष्य 1,859, मऊ 671 एवं बलिया का 948 है, जिनमें से आजमगढ़ में 65, मऊ में 89 एवं बलिया में 157 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण अभी तक अनारंभ है। इस पर तीनों जनपद के डीएम को निर्देश दिया कि उपजिलाधिकारियों के माध्यम से जांच करा लें, यदि भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो अग्रेतर कार्रवाई हेतु शासन को अवगत कराएं। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोपीगंज बाजार के पास गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान गौ मांस व तमंचे के साथ एक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा, वहीं दो अन्य फायरिंग कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस सुबह गश्त पर थी, इसी दौरान संदिग्ध लोग जाते हुए नजर आए, जिनको रोका गया तो वो पुलिस पे फायरिंग करने लगे। इसी दौरान एक की गिरफ्तारी की गई है, जिसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। पकड़ा गया आरोपी नदीम इसी थाना के नोहारा गाँव का रहने वाला है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को पकड़ने में लगी हुई है। वहीं बरामद गौमांस की पशु चिकित्सक से तस्दीक कराकर नियमानुसार उसे दफनाया गया है। कुल 75 किलो गौ मांस बरामद किया गया है। आज सवेरे दीदारगंज थाना क्षेत्र में कुछ लोग संदिग्ध जा रहे थे, जिसके संबंध में जब उन्हें रुकने को कहा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए एक पुलिस एंगेजमेंट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नदीम पुत्र रोशन है, जो लोहार थाना दीदारगंज का रहने वाला है तथा इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाते हुए एक व्यक्ति फरार हुआ है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से गोमांस बरामद हुआ है तथा एक तमंचा व कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका सर क्या पिछले कुछ दिनों से करता रहा है? ये अभी देखा जा रहा है, अभी गिरफ्तारी हुई है, उसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। युग पुरुष वेदांत दर्शन के पुरोधा मातृभूमि के अन्य उपासक बिरले कर्मयोगी मानव सेवक अद्वितीय विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती मंगलवार को जनपद में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जहां तमाम संगठनों के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ने बामा सारथी नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ क्लब के सहयोग से किया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी लाइन्स ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर युवाओं को देश के उत्थान व विकास के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी के विचारों आदर्शों पर चलने की उन्हें शपथ दिलाई गई। शपथ लेता हूं कि मैं समस्त प्राणियों की गरिमा व सम्मान को बराबर महत्व देते हुए इसकी भरकस
अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, तथा एक युवा के रूप में, तथा एक युवा के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अंतः प्रेरणा से, अंतः प्रेरणा से अथवा अथवा उच्चतर विवेक द्वारा, उच्चतर विवेक द्वारा निर्धारित किए गए, निर्धारित किए गए तत्वों को पूरा करूंगा, तत्वों को पूरा करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। शपथ ग्रहण करने के उपरांत युवाओं का जत्था स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ साइकिल पर सवार होकर रवाना हुआ। एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने दल को रवाना करते हुए स्वामी जी के विचारों, मूल्यों, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की उनसे बात कही। 12 जनवरी है आज, जो हमारे राष्ट्रनायक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारत में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में यहाँ एक फंक्शन संपन्न किया गया है और हम लोगों ने आज एक पुलिस लाइन से अपने जो युवा लोग हैं परिवारों के, उनका एक दल बनाया है। तो यह समूह जो संगठन है, यह हमारे पुलिस लाइन आसपास क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों को करेगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए अभी हमें एक रैली भी इन युवाओं द्वारा निकाली जा रही है। रायबरेली में आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती द्वारा सीएम योगी पर की गई अभद्र टिप्पणी से विश्व हिंदू महासंघ में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को आजमगढ़ में अरविंद केजरीवाल का उन्होंने पुतला फूका और अपना विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर आम आदमी पार्टी के प्रति विश्व हिंदू महासंघ के लोगों का यह गुस्सा साफ साफ दिखाई दिया। संघ के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती द्वारा दिया गया अभद्र बयान हम लोगों को आहत कर चुका है। सोमनाथ भारती, जिनकी डिग्री फर्जी है और वो योगी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें, यह हमें बर्दाश्त नहीं। केजरीवाल का पुतला उन्होंने इसलिए फूका है कि कल उनके भूतपूर्व विधायक, वर्तमान में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, जो खुद एक फर्जी डिग्री लेके एक मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वो फर्जी आदमी फर्जी काम ही करता है, उसने योगी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है रायबरेली में। और यहाँ तक कि कहा कि योगी जी जिंदा नहीं बचेंगे, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी कल मालूम हुआ, जिसको देख के पूरा हिंदू जनमानस उबल पड़ा है और विश्व हिंदू महासंघ जो उनका संगठन है उसे ये बर्दाश्त नहीं है और उसने अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंक करके एक विरोध प्रदर्शन जताया है कि आगे भी अगर इस तरह की हरकतें की गई तो उसका गंभीर परिणाम विश्व हिंदू महासंघ उनको देने के लिए तैयार है। बीड़ी मजदूरों के मसीहा कामरेड कतवारू राम गौड़ की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दुर्गावती सिलाई बुनाई केंद्र पर किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे लेबर इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय कतवारू राम गौड़ के पुत्र कैलाश प्रसाद गौड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा करते थे कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। आज वह नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ की अनुगुंज आज भी लोगों के कानों में पड़ रही है। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके पिता ने पेंशन लेने की बजाय गरीबों की शिक्षा के लिए विद्यालय की मांग की। उन्होंने हमेशा गरीबों के बीच रहते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ी। मजदूरों के प्रति उनकी समर्पण भावना एक मिसाल है। उन्होंने बीड़ी मजदूरों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए उनकी स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। मेरे पिताजी कामरेड कटौरी राम की 12वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमारे दुर्गावती सिलाई बुनाई केंद्र पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे लेबर इंस्पेक्टर माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह आए हुए हैं, जो पिताजी के गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह मजदूरों के लिए अपना यही उद्देश्य है कि गरीबों का जो काम इस समय रुका हुआ काम हो, बीड़ी मजदूरों के लिए दवा मिले, बीड़ी मजदूर के बच्चों के लिए स्कूल जो बंद पड़े हो उनको मिले जाए, और जो बीड़ी मजदूरों को जो ये जो कंबल मल वितरण बीड़ी मजदूरों को भी दिया जाए, जो सरकार की आई हुई योजनाओं का उनको लाभ मिले। आज जो है मेरे पिताजी ने पूरा जीवन अपना बीड़ी मजदूरों के लिए किया, बीड़ी मजदूरों के मसीहा भी थे और अपने संघर्ष जीवन में उन्होंने कभी जो हार नहीं मानी और 82 की उम्र तक हमेशा लड़ते रहे। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थाई पेसमेकर व अस्थाई पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर,
कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।